30 शेयर्स होल्ड करते हैं और 321 जो है इनकी बाइंग प्राइस है। और मंदार, एक बार आपसे मैं राय जानना चाहूँगी। देखिए, ऐसे बाजार में भी हम कई सारे बैंकिंग काउंटर्स हैं, वो देख रहे हैं कि काफ़ी रेजिलियंस दिखा रहे हैं, मतलब टूटते बाजार में भी वो मजबूती से खड़े हुए हैं हाल एक दो दिनों में। उसमें बंधन बैंक आपको कैसे प्लेस लगता है, मौजूदा स्तर के आसपास की इनकी बाइंग प्राइस है, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, बेसिकली इसका मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूँ तो दो चीज़ें हैं। पहली जो इमीडिएट नोटिस होती है कि इस तरीके के वीक मार्केट में भी ये स्टॉक अंडर करंट दिखा रहा है, यानी नीचे से इसमें बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। 300 की लेवल से ये फिर से एक बार बाउंस बैक कर लेता है, जब कब 300 के आसपास आता है वहाँ से बाउंस बैक कर लेता है 350 के आसपास, तो ये पॉजिटिव बात है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं पिछले 2-2.5 साल का चार्ट देखूं तो मोर ऑर लेस ये वही लेवल पे है जहां पे ये 2020 में था। तो इसने 350 का जो ये लेवल है ये ऊपर की तरफ ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो एग्जैक्ट अगर बात करें तो 345 और 354 इस तरीके का एक इसमें रेजिस्टेंस बैंड बनता है, वो जब ब्रेक करेगा तब इसकी ऊपर की जो टारगेट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी, 400, 450 इस तरीके की टारगेट्स एक्टिवेट हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल इनकी जो पोजीशन है वो मेरी राय ये होगी कि एक स्टॉप लॉस के साथ बनाए रखिए। 299 का इसमें 299-300 का इसमें सपोर्ट है, तो 295 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए। जब तक ये इसी बैंड में बना रहेगा तब तक होल्ड कीजिए। जब ऊपर का लेवल ब्रेक करके ऊपर चलेगा, यानी 354 ब्रेक करके चलेगा, तब आगे की टारगेट्स डिसाइड कर पाएंगे। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है और स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाता है 295 वाला, तो एग्जिट कर दीजिए। इस तरीके की एक राय रहेगी, क्योंकि फिलहाल पिछले कुछ हफ्तों से ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, तो ये राय आपको स्टॉक में दे दी गई है बंधन बैंक में। चलिए, एक कुछ और भी सवाल हमें आ रहे हैं, बैंकिंग स्पेस से ही है। दिल्ली से हमें सवाल भेजा है संतोष जी ने, और मंदार आपसे ही सवाल होगा। फेडरल बैंक है पहला, तो इनके पास 500 शेयर हैं 98 पर इन्होंने लिया हुआ है, वहाँ इनको नुकसान हो रहा है, सिर्फ 85 के आसपास कारोबार कर रहा है, और रिलायंस भी है इनके पास, ये इन्होंने 2850 पे लिया हुआ है, यहाँ पर भी हल्का नुकसान है, इस पर देखिए 2630 के पास कारोबार कर रहा है। हालांकि हाल फिलहाल में तेज़ी ज़रूर आई थी, लेकिन यहाँ पर भी एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है ये शेयर। क्या करना चाहिए दोनों ही स्टॉक्स में, आगे के लिए टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? फेडरल बैंक से शुरुआत करते हैं। देखिए, फेडरल बैंक के केस में भी अगर पिछले दो हफ्तों का अगर ट्रेड देखते हैं तो एक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। 82 के आसपास इसमें सपोर्ट बनता है और ऊपर में 88 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस बनता है। तो जब ये रेंज ब्रेक करके बाहर चलेगा तब हम इस पर आगे की राय ले पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो 82 का लेवल है ये एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है। अगर मैं पिछले एक साल के अगर सारे जो लोस हैं वो ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देता हूं तो इसी लेवल पे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी बनता है। तो 80 के स्टॉप लॉस से फेडरल बैंक में पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। जब ये 88 ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब ऊपर की लेवल्स पे व्यू ले पाएंगे, 94-98 इस तरीके के टारगेट्स भी एक्टिवेट हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल 80 के स्टॉप लॉस से इसमें पोजीशन बनाए रखनी चाहिए।